have Batch of 2020, which is representing a satirical and dramatic representation of the life of a first year medical student. Let's welcome them. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Pragati, yahan itna sarnata kyun hai is college mein? Are yaar, tujhe pata nahi hai kya? Ye medical college hai. Are medical college hai to kya hua? MBBS ek course hi to hai. Yahi to teri galat fehmi hai. Abhi nahi dekh le, inke prof hai. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार मार। अरे यार मेरे से अब नहीं हो रही पढ़ाई। अरे भाई 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 तुम्हें पता है अपने जूनियर्स आ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? हाँ अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, अब तो फिर बढ़िया है यार। अब क्या, अब तो हम सीनियर्स हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है, अब बस चलो मस्त तैयारियां करते हैं। अब देखे तूने इनके बदलते तेवर? सही कह रही है यार, मैंने सुना तो था कि कॉलेज में दो नस्ल के लोग होते हैं, एक शरीफ एक हरामी। चल देखते हैं यार। मम्मा मम्मा मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, बाप का दादा का भाई का सबका नाम रोशन करेगा तेरा बेटा। तेरा भाई बन गया डॉक्टर, कॉलेज जाएगा, सीने से बंदी सेट करेगा, रेट एंड दारू ज्यादा तेरे भाई की। वैसे इन बच्चों को उम्मीदें तो बहुत है, पर इन्हें क्या पता वहां पर इनके भी बाप बैठे हैं। सही कह रही है प्रगति, आने दे इन्हें, देखा जाएगा। यार देख वही बात है, ऐसी होता है। हाँ छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अरे रुको रुको, अरे रुको रुको। गुड इवनिंग बॉस। भैया आ जाओ इधर भी। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेडिकल कॉलेज में आके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है बॉस। मजा आ रहा है बॉस, बहुत बॉस, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अच्छा मेडिकल कॉलेज में आ गए तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता ही लग गए होंगे। जी बॉस। तो आपको अलग से बताना पड़ेगा जनाब। सॉरी बॉस। चलो तुम में से गाना कौन गाता है? बॉस मैं गा लेता हूँ। आ जाओ। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू गाइस। ये था लड़कों का मेल मिलाव, आइए एक नजर लड़कियों की तरफ भी डाल लेते हैं। दीदी दीदी एक क्वेश्चन था। दीदी क्या होता है? सॉरी सॉरी मैम, मैम एक डाउट था। पूछो। मैम दरअसल अभी MBBS में एडमिशन ले ही लिया है तो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या किताबें लूँ, इतनी पढ़ाई है, इतने मतलब मुझे डिस्टिंक्शन लेकर आने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूँ। अरे रुक जा यार, आज ही डिग्री करेगी के? सॉरी मैम। तुम्हारी क्लास है ना, जाओ। ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है, इन्हें भी डर था वायवा का। यार श्रेया तुझे याद है अपने डीएच के दिन? हाँ यार, पसीने में लथपथ होकर फुल यूनिफॉर्म में डाइसेक्शन करते थे। और यार वायवा में तो कितनी बजाते थे यार। सीरियसली यार, सर की डांट इतनी बार खाते थे ना, इतनी बार गलत आंसर निकलते थे डर की मारे। चलो अब देखते हैं फिर इन लोगों का क्या हाल है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अर्पित तू क्या छुपा रहा पीछे? सॉरी सर।
मैंने पूछा क्या छुपा रहा है सर फोन था सर डीएच में फोन अलाउड है नो सर ला फोन दे सॉरी सर अर्पित मैंने बोला फोन दे सर आगे से गलती नहीं होगी सर अर्पित समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी सर डीन ऑफिस से कलेक्ट कर लेना आज तुम्हारा बोन्स का वाइवा था ना यस सर पढ़ के आए हो तुम लोग कब सुधरोगे तुम लोग इस बार भी नहीं पढ़ के आए चलो तुम दोनों इधर आओ ये बोन उठाओ क्या है ये अरे बता भी है अरे प्रगति देखा तूने इनका नेट का हाल चल देख लेते हैं बायोकेम में भी कौन से झंडे गाड़ रहे हैं भाई तुझे पता है आज अपने बायोकेमिस्ट्री में यूरिन का प्रैक्टिकल होने वाला है हाँ हाँ यूरिन लाया तू नहीं भाई सबको अपना यूरिन लेके आना था जा जल्दी जा जल्दी जल्दी जा भाई रुक जा गोलमाल है मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग आज तुम्हें पता ना आज तुम्हारा यूरिन सैंपलिंग टेस्ट है यस मैम पढ़ के आए हो वी हैव कम इन मैम तुम इतने लेट क्यों आए हो ये कोई टाइम होता है आने का और ये क्या है तुम्हारे हाथ में मैम ये मेरा यूरिन मैं वही वॉशरूम से लेके आया हूं तुम्हें ये किसने लाने के लिए कहा था ये बदतमीजी कौन करता है आज किसी को भी अटेंडेंस नहीं मिलेगी सारी क्लास से निकल जाओ यस मैम बेचारे बच्चे की माड़ी किस्मत यार श्रेया ये 4:30 to 8:30 की कश्मकश के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ हर किसी के दिमाग में बस एक ही धुन बज रही होती है वो क्या मुंह तो बंद करो अंकल चल भाई तेरा भाई तुझे आज पिलाएगा क्या चाय गाय हर कॉलेज में उनकी नाम से फेमस होती हैं बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं मोर्चरी साल के आखिर में कुछ ऐसा माहौल हो जाता है जैसे तूफान के पहले का सन्नाटा उस तूफान का नाम है प्रॉफ और भाई प्रॉफ कैसे गए प्रॉफ तो बहुत बढ़िया गए थे हमारे बॉस बहुत ही इजी पेपर था एक क्वेश्चन तो इतना इजी आया था व्हाट इज क्लबिंग बहुत इजी था अपन यहाँ से टेम्पो पकड़ते हैं क्लब जाते हैं क्लब में पार्टी करते हैं क्लबिंग बोलते हैं Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't need no time. तो दर्शकों कुछ इस तरीके से निकला प्रथम वर्ष MBBS स्टूडेंट्स का यार तुम्हें पता है और कॉलेजों की कितनी बुरी हाल है वो कैसे क्या और कॉलेजों में तो ये है जूनियर्स को फाइल करना बुरा लगता है जूनियर्स को इनसे इंट्रो ले लो तो रैगिंग लगती है सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही कह रहे लगते हैं यार और रेस्पेक्ट का तो नाम ही छोड़ो इन्हें विश करने तक में दिक्कत आ रही है पर 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 हमारे जूनियर्स ऐसे थोड़ी हैं नहीं भाई नहीं हो ना क्यों हो नहीं हो